आज ये अनाउंस कर रहा हूं इस मंच पे, जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। हम लोगों ने इस बार पवन जी के साथ सनी लियोन को लेकर के आ रहे हैं, जो सनी लियोन का बर्थडे का गाना करेंगे। 5 जनवरी को डीआरजी रिकॉर्ड भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज होने जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे महंगा गाना। जी आप सभी को बता दूं कि 4 जनवरी के दिन पावर डीआरजी रिकॉर्ड ऑफिशियल यूट्यूब सनी लियोन जो कि गाने को शूट करेंगे मुंबई में, जहां सनी लियोन का अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का गाना का शूट हुआ था। जी हां, बड़े मियां छोटे मियां फिल्म का गाना जहां पे शूट हुआ है उसी बीच में रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए थोड़ा बात करते हैं इस गाने के बजट के बारे में। आप लोग बता दो कि इस गाने में आप सभी को 450 से लेकर 500 तक बैकग्राउंड डांसर इस गाने में आप सभी को देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूं कि रिपोर्ट के माने तो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया सनी लियोन जो कि इस गाने के लिए चार्ज की है। और इसके अलावा इस गाने में जितनी भी टीमें, चाहे वो कोरियोग्राफर हो चाहे एडिटर हो, सभी लोग जो कि बॉलीवुड लेवल के, और उनका चार्ज भी बहुत महंगा है। आप सभी को बता दूं कि कोई भी इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं है, केवल पावर स्टार पवन सिंह जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से। और ये गाना भी जो कि भोजपुरी में नहीं होने वाला है, हिंदी में ये गाना होगा। जी हां, पूर्ण रूप से ये गाना हिंदी में होगा। हिंदी लिरिक्स से पावर स्टार पवन सिंह हिंदी गाना गाए हैं। तो ये गाना के बीच में 5 तारीख को रिलीज होगा। जैसा कि आप लोगों ने गाना देखा होगा कि मैं आई हूं धूम बिहार रुकने, तो थीम रहेगा बिहारी यूपी वाला, लेकिन पूर्ण रहेगा हिंदी। जी हां, तो बहुत ही धमाकेदार जबरदस्त शानदार गाना जो कि 5 जनवरी के दिन रिलीज होने जा रहा है पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन के मौके पर। और आप सभी को बता दो कि 5 तारीख को मुंबई में पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा, जहां पर भोजपुरी और बॉलीवुड के कई बड़े सितारे आने वाले हैं। वहीं पर इस गाने को भी लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल मैं आप सभी को रिपोर्ट के साथ और जितने भी सभी से आपको पावर स्टार पवन सिंह के इस नए गाने का इंतजार कर रहे हैं, अपना राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गाने का इंतजार कर रहे हैं।